फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एनएक्सी भवन में मुलाकात की। इस चर्चा में सीएम ने पद्मावती को जवाब देने के लिए मधुर भंडारकर को एक ऐतिहासिक फिल्म बनाने को कहा है, जिसमें इतिहास को सही तरह से दर्शाया जा सके। मधुर भंडारकर ने कहा कि फिल्म सिटी का सपना हर व्यक्ति का है, जिसे पूरा करने के लिए सीएम योगी ने उन्हें आश्वस्त किया है। यूपी निकाय चुनाव में मतदाता सूची में खामियों को लेकर सपा के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात की। निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात के बाद सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकार ने निकाय चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। गोरखपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर सीएम योगी ने मंदिर परिसर में जनता दरबार भी लगाया। सीएम योगी के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे व्यक्तियों को सीएम ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने तेज प्रताप के विवादित बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि तेज प्रताप सुरक्षा हटने पर बौखला गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने गुजरात चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस गुजरात में बुरी तरह से हार रही है। योगी सरकार में अल्पसंख्यक राज्य मंत्री मोहसिन रजा एक सड़क हादसे में मामूली रूप से घायल हो गए। मोहसिन रजा लखीमपुर में चुनावी सभा करके वापस लखनऊ लौट रहे थे। इसी दौरान सीतापुर लखनऊ हाईवे पर उनकी गाड़ी सांड से टकरा गई। जालौन के उरई में पुलिस ने कुछ गधों को जेल के बाहर लगे पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में जेल में डाल दिया। जेल अधीक्षक ने कहा कि गधों को गिरफ्तार नहीं किया गया, उनके मालिकों की पहचान करने के लिए उन्हें जेल परिसर में बांध दिया गया। फतेहपुर में हिंदू युवा वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष को बेखौफ बदमाशों ने गोली मार दी। इस हमले में नेता गोली लगने से घायल हो गया। हिंदू युवा वाहिनी के नेता का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता को उनकी पत्नी के फेसबुक अकाउंट पर आरडीएक्स बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने आनन फानन में मंत्री के घर सुरक्षा को बढ़ा दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में एक डॉक्टर के क्लिनिक पर हथियारबंद बदमाशों ने उसके परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूट को अंजाम दिया। वाराणसी में शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मियों ने रिक्शा चालक को टक्कर मार दी, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने लोगों के साथ हाथापाई की। यूपी में तीसरे चरण में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर 26 जिलों में पोलिंग पार्टियां बूथों पर रवाना हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। शनि काम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे, गुरु किसका भाग्य संवारेंगे, कैसा रहेगा राहु का गोचर, मंगल से किसे लगेगी ठोकर, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।